हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर आपके साथ हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम हाजिर हैं मलीर हॉल्ट वायरलेस गेट के पास, जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल अपोजिट रोड पे है। आज हम यहाँ पे आए हैं एक नई चीज ट्राई करने के लिए, जिसका नाम है आइसक्रीम कुल्फी कहा जाता है, जो है मुल्तानी स्पेशल कुल्फी। चले चलते हैं आपको खिलाने के लिए और आपको बताने के लिए कि आपको आना कब चाहिए और किस वक्त आना चाहिए। चले हाँ जी, तो आज हम आए हैं मुल्तानी स्पेशल कुल्फी, जहाँ पे एक छोटे से मासूम से बच्चे खड़े हुए हैं जो कि कुल्फी बेच रहे हैं। कैसे बेटा? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। नाम क्या आपका? अबू बकर। अबू बकर, क्या उम्र है? मैं 10 साल। आप देख सकते हैं कि ये अबू बकर है और इनकी उम्र सिर्फ 10 साल है और ये यहाँ पे कुल्फी बेच रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मुल्तानी कुल्फी खोए वाली है, जस्ट 80 रुपीज़ की है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि होगी बड़ी नो डाउट सो यमी। आई सजेस्ट कि आप लोग सारे यहाँ पे आए और डेफिनेटली इसको ट्राई करें। ये जस्ट कुल्फी नहीं है, ये बहुत यमी कुल्फी है, जस्ट 80 रुपीज़ की है। आई सजेस्ट एंड रिकमेंड। प्यास लगी है और उसमें लिमका हो तो क्या ही बात हो जाए। कुल्फी तो हो गई, अब चले लिमका चलते हैं। चले जी, हम पहुंच गए लिमका। लिमका लिमका और लिमका का नाम है द ब्रोस्ट लिमका। ये क्या बात है, द ब्रोस्ट लिमका का क्या मतलब? चले हम उनसे पूछते हैं द ब्रोस्ट लिमका का मतलब क्या है और ये नाम रखने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप? क्या नाम है आपका? हसन। यार हसन, क्या करते हो? बड़े भाई लिमका नाम करता हूँ मैं। जबरदस्त यार, इसका नाम द ब्रोस्ट लिमका क्यों रखा है? असल में एक दफा यूं हुआ कि मैं ब्रोस्ट खाकर वापसी आ रहा था, मैंने बोला चलो लिमका पीते हैं। जब लिमका पिया तो माइंड आया कि भाई माइंड में आया कि लिमका की दुकान ही खोल लेते हैं। मतलब कहानी ये है कि जब ये ब्रोस्ट खाने गए तो उनका दिल हुआ वैसी पानी की प्यास लगी जैसे मुझे भी लगी थी, तो इन्होंने लिमका पिया और जब इन्होंने लिमका किया तो इनको इतना पसंद आया तो इन्होंने इसका नाम ही द ब्रोस्ट लिमका रख लिया। तो मुझे बताएं आपकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे सबसे जबरदस्त वाला लिमका कौन सा है और कितने कितने लिमका आपके पास है? मेरे पास तो लिमके के बहुत सारे फ्लेवर हैं, जैसे मेन्यू कार्ड पे लिखे हुए काफी सारे फ्लेवर के नेम, लेमन, जिंगर, लीची, पाकोला, ब्लूबेरी, कॉकटेल, वैसे इसमें बहुत सारे नाम हैं। मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा तो मैं आपको, मुझे ये बताएं सबसे बेस्ट वाला आपका कौन सा है? सबसे बेस्ट ब्लूबेरी का स्पेशल, आड़ू का स्पेशल, ये दो सबसे बेस्ट है स्पेशल। ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है लिमका ड्रिंक्स, मिल्क सोडा ड्रिंक और फ्लेवर शेक्स लिमका और गोला गंडा, ये क्या है? ये ड्रिंक का मकसद ही सोडा और बाकी इसमें फ्लेवर मिलते हैं। ओके, तो इसमें से सबसे बेस्ट आपका कौन सा है? लिमका ड्रिंक में कौन सा अच्छा है? सबसे बेस्ट है ब्लूबेरी का स्पेशल और पाइनएप्पल और आलू का स्पेशल। मुझे ब्लूबेरी बना के दे एक। और मुझे बताएं मिल्क सोडा ड्रिंक में कौन सा स्पेशल है आपका? इसमें स्पेशल है ये रेड ग्रेप्स और एप्पल सिट्रा का। रेड ग्रेप्स अच्छा है, एप्पल सिट्रा अच्छा है, दोनों मिक्स करके अच्छा स्पेशल बनता है। बस जबरदस्त, दोनों मुझे मिक्स करके एक प्लान, क्योंकि मुझे रेड ग्रेप्स ही पसंद है और मुझे एप्पल सिडर भी पसंद है, मुझे दोनों का मिक्सचर बना के दे। गोला गंडा का क्या सीन है मुझे बताएं? गोले गंडे का ये सीन है बड़े भाई, ये छोटा पान गोले गंडे का ये लगा है ना, गोले गंडे का ये फ्लेवर सिर्फ अभी गोले गंडे का फ्लेवर है। ओके परफेक्ट है, मुझे आप दो बना के दे पहले और उसके बाद हम देखते हैं हमें तीसरे पे जाना है या नहीं जाना। हम पहले दो पे वेरीफाई करेंगे कि आपका कैसा बना रहा है, फिर तीसरे पे आते हैं। तो चले देखते हैं भाई बनाना स्टार्ट करते हैं, मुझे बना के दिखाएं कैसे बनाते हैं आप। जी
ओके रेडी बन गए जी भाई। तो भाई ये कौन सा वाला है? ये ब्लूबेरी और पाइनएप्पल आड़ू। यार बहुत अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा है, ट्राई करें। मुझे जो प्यास लग रही थी ना वो सीधे से बुझा दी। ये वाला भी क्या बताएं कैसा बना हुआ है। और ये कौन सा है? ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, ये पाइन एप्पल और आड़ू है भाई। पाइन एप्पल और आड़ू जी। बहुत अच्छा है, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही बात है हर किसी का टेस्ट अलग होता है। मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत शरीर प्यास थी और मैंने स्टार्ट इससे किया है, लेकिन नो डाउट ये भी किसी से कम नहीं है। आई सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग यहाँ पे आए और हसन भाई के पास जरूर आए और यहाँ से लिंक अप किए। और हसन भाई मुझे आप यहाँ का एड्रेस मुझे ना बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं कि यहाँ का एड्रेस। यहाँ का एड्रेस है ये वायलेंस गेट का फाटक वाली साइड के लाती है, कैफे आम वाली, फूड सिटी, ताज होटल। और ये वैसे फूड सिटी रेस्टोरेंट मुझे नजर आ रहा है, फूड सिटी रेस्टोरेंट के अपोजिट में थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो यहाँ पे ये डीप रोड के सामने फाटक। डीप रोड पे आए और हसन भाई से लिमका पिए और एंजॉय करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसे लगा। थैंक यू।